हेलो फ्रेंड्स, हैरीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी और क्रीमी कुल्फी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, 2 बड़े चम्मच चीनी, 8 से 10 बादाम दरदरा कूट लिया है। अब एक पैन में आधा कप पानी ऐड करेंगे। इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, गैस बंद होने पर ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। मैंने आधा कप पानी और मिला लिया है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर लूंगी और उसे मीडियम पर रखेंगे। ना गैस को ज्यादा तेज ना ही कम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें मैं 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये कुल्फी बनाने की बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। इसमें हमें दूध को ज्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ता और कुल्फी का मिक्सचर बनकर रेडी हो जाता है 5 मिनट में। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी मिक्सचर बनकर रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पर कुल्फी के इस तरीके के मोल्ड ले लिए हैं। मार्केट में बहुत ही तरीके के मोल्ड अवेलेबल होते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके के मोल्ड दिखा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्जी से किसी भी मोल्ड में इसको डालकर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये स्टिक्स ली हैं। आइसक्रीम की स्टिक्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इन स्टिक्स को साइड से काट लिया है। अब मैं कुल्फी के मिक्सचर को इन मोल्ड्स में पोर कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये कुल्फी बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। बादाम ऐड करने से इसमें फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अब मैं इसी तरीके से कुल्फी के मिक्सचर को सभी मोल्ड्स में डालकर अच्छे से भर लूंगी और हमारे मोल्ड्स अब तैयार हैं। कुल्फी का मिक्सचर भरने के बाद मोल्ड के ऊपर इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल को लगा देंगे ताकि जब हम इसको जमने के लिए रखें इसके अंदर एयर ना जा सके। इसको अच्छे से कवर कर देंगे। स्टिक्स लगाने के लिए चाकू की मदद से एक हल्का सा कट लगाएंगे और इसके अंदर स्टिक को इस तरीके से डाल देंगे। सभी में इसी तरीके से स्टिक्स को लगा लेंगे। कुल्फी के मोल्ड्स को मैंने 5 घंटे तक फ्रीजर में सेट होने रख दिया था। अब हम इस फॉइल को हटाकर इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। पहले हथेलियों के बीच में इस तरीके से रब कर लेंगे। अब हल्का सा गोल घुमाकर इसको बाहर खींच लेंगे। तो लीजिए, हमारी यमी और क्रीमी कुल्फी बनकर तैयार है। अब हम इसको किशमिश और बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे। आप इसे अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस इंस्टेंट कुल्फी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपके घर पर सबको पसंद आएगी। रेसिपी से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।